हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की बैटरी बनाया हूँ। ये देखिए बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे बनाया हो, सब कुछ वीडियो के अंदर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बैटरी को बनाने के लिए देखिए मैं लिथियम का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक बैटरी 3000 mAh का है, एक अलग सा बैटरी है ये 1200 mAh का है। मेरे पास तीन ही बैटरी था तो 3 एम्पीयर का हो रहा है। तो ये देखिए, ये एक बॉक्स के ऊपर बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, पीवीसी का बॉक्स है, आपको इलेक्ट्रॉनिक का शॉप में इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से बैठेगा, दोनों नीचे रहेगा दोनों ऊपर रहेगा। तो दोस्तों इसको सीरीज में कनेक्शन करना है, तो मैं दिखाऊँगा कैसे कनेक्शन करना है। सीरीज कनेक्शन बिल्कुल ईजी है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा करके कनेक्शन होता है। तो दोस्तों ये इजीली बन जाएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हो, कहीं कोई से भी प्रोजेक्ट में इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ से ऊपर नीचे रहेगा कि दोस्तों हमारा जो पीवीसी का बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है, तो ये लंबा रहेगा तो नहीं बैठेगा, तो ऊपर नीचे बैठाना पड़ेगा। तो चलिए बैटरी को थोड़ा खींच लेता हूँ, इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा सोल्डिंग आसानी से पकड़ सकता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, दोनों पहले से ही सोल्डिंग है, तो इसको घिसने से अच्छा से पेस्ट को जो सोल्डिंग होता है वो पकड़ लेता है। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं पेस्ट लगा के कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेता हूँ, आप वीडियो में पूरा देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कनेक्शन। तो मैं देखिए पेस्ट सब कुछ ले लिया हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस पूरा बैटरी को दोस्तों सीरीज कनेक्शन देना है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, ऐसे ही देख के करना है। देखिए ये प्लस है, फिर प्लस से माइनस चला जाएगा, ये देखिए फिर उस साइड से प्लस से माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी कनेक्शन है दोस्तों। तो देखिए इस वायर को मैं माइनस में जोड़ देता हूँ, प्लस से माइनस चला आया दोस्तों। पेस्ट लगा के सोल्डिंग करना है, इससे मजबूती से सोल्डिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, कनेक्शन हो गया है, बिल्कुल रेडी कर दिया हो। ये देखिए इस साइड प्लस निकल गया है, फिर ये देखिए इधर प्लस, फिर नीचे का साइड माइनस, फिर प्लस, फिर ऊपर से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस निकल गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी कनेक्शन है, इसको इजीली घर में कर सकते हो दोस्तों कनेक्शन को। तो चलिए उसके बाद दोस्तों बैटरी का वोल्टेज को मैं चेक कर देता हूँ, चार बैटरी का कितना वोल्टेज है। तो देखिए दोस्तों, ये 3.7 वोल्ट से ऊपर है, और ये भी 3.3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट, और ये देखिए ये 4 वोल्ट का है शायद, देखिए ये 4 वोल्ट है। तो टोटल दोस्तों हमारा 12 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हमको 12 वोल्ट ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा बैटरी का पूरा फुल पावर है, उसीलिए दोस्तों 12 वोल्ट से ऊपर दिखाई देगा आपको। तो चलिए अच्छा से मैं दोनों वायर को छील के पूरा वोल्टेज को ही चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 14 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, 2 वोल्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि बैटरी में पूरा पावर है उसीलिए। तो चलिए उसके बाद दोस्तों, इसको पीवीसी बॉक्स के ऊपर मैं फटाफट से फिटिंग कर लेता हूँ। आप ग्लू गन से चाहे डबल टेप से, आप कोई किसी से भी चिपका सकते हो इसको दोस्तों, मैं इसको डबल टेप से ही चिपकाऊँगा अभी। तो ये ऐसे ही बैठेगा दोस्तों, तो नीचे के साइड में डबल टेप दे देता हूँ ताकि बैटरी हिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इधर से दोनों होल्ड करके वायर को निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, मैं डबल टेप दे दिया हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, एक अच्छे से कमेंट भी कर दो, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो देखिए दोस्तों, वायर को अंदर ले लेना है, नहीं तो टाइट करने का टाइम है, वायर कटिंग हो सकता है। तो देखिए दोनों वायर को ऐसे ऊपर को साइड निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कॉपर का प्लेट है, इसको काट के मैं इधर ही फिटिंग करूँगा। कॉपर का प्लेट की जगह आप डायरेक्ट वायर का भी निकाल सकते हो, और एल्यूमिनियम का जो प्लेट होता है उसको भी कटिंग करके लगा सकते हो, ठीक है। तो इधर मार्क करके दोस्तों मैं कटिंग कर दूंगा, जो हमारा कॉपर का प्लेट है वो आसानी से इसका अंदर फिटिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से कटार से और सोल्डिंग आयरन से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, इसको फिनिशिंग भी मैं कर देता हूँ। तो चलिए फिनिशिंग करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, कनेक्शन को अभी नहीं दिया हुआ, अभी कॉपर प्लेट को देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट का लेग में जैसा रहता है ऐसा कर दिया हो। उसके बाद और को भी इधर दोनों साइड में कनेक्शन कर देता हूँ, और ग्लू गन से पूरा फिटिंग कर देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए इसको आप थोड़ा सोल्डिंग कर देता हूँ। कॉपर का प्लेट में बहुत ही अच्छा से सोल्डिंग होता है। तो आप इधर दोस्तों एल्यूमिनियम के जो प्लेट होता है आप दे सकते हो, आपको दोस्तों कुछ भी जुगाड़ करके देना है। मैं इसको जुगाड़ करके मैं यूज़ किया हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो कॉपर का प्लेट ही देना है। तो दोस्तों बैटरी का दोनों टर्मिनल को मैं ग्लू गन से फिक्स कर दूंगा, क्योंकि हिल रहा है अभी, तो ग्लू गन देने से ही नहीं हिलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों मैं ग्लू गन से पूरा इसको फिक्स कर दिया हूँ, तो अब ये नहीं हिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल टाइट हो गया है। और बैटरी में भी थोड़ा दे दिया हूँ। तो चलिए इसके बाद दोस्तों इसको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ इसका वोल्टेज। तो दोस्तों इसका वायर कटिंग हो गया था, उसीलिए इसका वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो देखिए दोस्तों मैं इसको ठीक कर दिया, उसके बाद दोस्तों वोल्टेज को मैं सही से चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 14 वोल्ट से थोड़ा ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको भी ध्यान से काम करना है, कोई सा वायर कटिंग हो जाए ये सब चेक करना है। तो चलिए उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन को मैं नट बोल्ट से टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। दोस्तों इसको टाइट करना है। तो दोस्तों देखिए मैं और भी डबल टिप दे रहा हूँ ताकि बैटरी थोड़ा हिल रहा है, ऊपर ऊपर थोड़ा डबल टिप दे देता हूँ तो ढक्कन से पूरा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे देख के करना है। और दोस्तों ये जो पीवीसी का बॉक्स है ये आपको इलेक्ट्रिक का शॉप में आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। बहुत ही चिप प्राइस है, 20-15 रुपये ऐसा लेता है। तो देखिए मैं डबल टिप दे दिया हूँ ताकि इसमें बैटरी पूरा ही टाइट हो जाएगा। डबल टिप को उठा कर मैं ढक्कन को फिर से लगा दूँगा, इससे बहुत ही टाइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों डबल टिप को लगा दिया, उसके बाद ढक्कन को मैं बिल्कुल टाइट कर देता हूँ नट से। चलिए दोस्तों इसको फटाफट से मैं टाइट करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल टाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों इसका जो ऊपर का नॉब है नहीं लग रहा है, लूज है। तो चलिए दोस्तों इसको पूरा फिनिशिंग अच्छे से क्लीन करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों पूरा बिल्कुल हमारा बैटरी रेडी हो गया है, फिनिशिंग कर दिया हुआ। देखिए दोस्तों मैं रेड प्रूफ को जो प्लस है उसको रेड दे दिया हूँ, और जो माइनस है उसको ब्लैक कलर दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसको मोटर से मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों 775 मोटर है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से घूम रहा है। इसको बुलेट को भी मैं लगा के आपको प्रूफ दे देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका एयर कितना तेज़ी से आ रहा है दोस्तों, तो बहुत ही दोस्तों पावर है। आप और भी बैटरी देखिए इसका एम्पीयर का और भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल बैटरी है, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट में इसको काम में ले सकते हो। देखिए उसके बाद दोस्तों 12 वोल्ट का RGB LED है, ये देखिए ये भी वर्क कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, चैनल को शेयर भी कर दो, और एक अच्छे से कमेंट भी कर दो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।